पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। डिपो प्रबंधक की वजह से अपनी बेटी की जान जाने की वजह से वाहन चालक पिता ने की डिपो प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग। न्याय मिलने तक डिपो प्रबंधक कार्यालय के सामने से नहीं ले जाएंगे शव। नागपुर में रांगाबा की ओर से किया गया प्रदर्शन, निकाला गया सांकेतिक अंतिम संस्कार जुलूस। और बुलढाणा में कृषि विज्ञान केंद्र में ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया गया। आम की स्थानीय किस्मों को पेश करने के उद्देश्य से किया गया था आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। दिग्रस के डिपो प्रबंधक संदीप मड़ावी चालक और वाहक को कठिन परिस्थितियों में भी छुट्टियां नहीं देते। ऐसे एक वाहन चालक किशोर राठौड़ इनको छुट्टी न दिए जाने की वजह से उनकी अल्पवयीन लड़की की जान चली गई। इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने अल्पवयीन लड़की का मृतदेह डिपो प्रबंधक के कार्यालय के सामने ले जाकर डिपो प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। इस समय बड़ी संख्या में पुलिस उपस्थित थे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक अपनी बेटी का शव नहीं ले जाएंगे, ऐसा किशोर राठौड़ ने उपस्थित मीडिया को बताया। दवाखाना चालत नहीं, बोलत नहीं, आणि त्याचं सगळं खाणं पिणं संडास बाथरूम मलाच करावं लागत होतं। आणि ते महिन्याभरापासून आजारी होती। आजारी असल्यामुळं मी डेप्युटी मेजरना सांगितलं की बा माझी मुलगी आजारी आहे, खूप सिरियसली आहे, आणि मला थोडंसं ॲडजस्टमेंट करून ड्युटी लावा, खालीवर करा, थोडासा मला वेळ द्या दवाखान्यासाठी। ड्युटी पण करतो आणि पण मुलीचा दवाखाना पण करतो, पण ते काही ऐकायला तयार नव्हती। ते म्हणत होते नाही, तुमची ड्युटी जी आहे तीच जा, तुम्हाला सुट्टीसुद्धा मिळणार नाही, आणि ते ड्युटी नाही गेले तर तुमच्यावर कारवाई होणार, सस्पेंडची ऑर्डर लावून तुमच्यासाठी। त्याच्यामध्ये कारणीभूत एक रवी जाधव, एक भोगाने पाटील आणि एक डेपो मॅनेजर, या तिघा मिळून यानं मानसिक त्रास दिला मला। माझी मुलगी पण 14 वर्षाची आहे, 14 वर्षाची अपंग असल्यामुळं सगळं संडास बाथरूम त्यांचं खाणं पिणं मला स्वतःच करावं लागतं। मी 13 वर्षापासून मी अडणारी कामगिरी करत होतो आणि मला आत्ता सध्या त्यानं मला सुपरच्या कामगिरी लावल्यामुळं माझं ॲडजस्टमेंट झालं नाही, मुलीचं फायनल झालं नाही, म्हणून माझी मुलगी दगावली गेली। मुलीचं नाव आहे स्नेहा किशोर राठोड। याच्या कारणीभूतामुळं माझी मुलगी दगावली गेली, त्यानं रजा नाही दिली मला आणि सुट्ट्यासुद्धा ॲडजस्टमेंट केल्या नाही। याला कारणीभूत रवी जाधव आणि डेपो मॅनेजर जास्तीत जास्त हे शिकवायचं रवी जाधव त्यांना की बा याला सुट्टी नका देऊ, हे खूप हुशार आहे, असं आहे तसं। पण त्यांना खरोखर माझी परिस्थिती माहीत होती, मुलगी पण माझी अपंग होती, त्यांना सगळ्यांनाच माहीत आहे, इथून यवतमाळपर्यंत माहीत आहे की बा मुलगी अपंग आहे। हे 17 वर्ष झाले, कितीतरी डिप्टी मॅनेजर गेले, किती TI गेले, ATI गेले, कधीच मला त्रास नाही दिला त्यानं। पण आज हे 2 वर्षापासून आगार प्रमुख आल्यामुळे आणि हे रवी जाधव असल्यामुळे कामगिरी लावण्यासाठी, त्याच्यामुळं मला खूप त्रास गेला आणि त्याच्यामुळं माझी मुलगी मरण पावली। या संदर्भात आपली काय मागणी आहे? या संदर्भात माझी डेप्युटी मॅनेजरवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि रवी जाधव TC जो आहे इथला त्याची तातडीने इथून बदली करण्यात यावी, कारण की पूर्ण आगार बिघडवत आहे तो, आगार पूर्ण कामगारावर त्रास आहे त्याला, याची बदली TC ची रवी जाधव। आणि केबी न्यूज के लिए यवतमाळ से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। बीड के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लोकसेना संघटना की ओर से अल्पसंख्यक समाज की विविध मांगों को लेकर धरना आंदोलन किया गया है। बीड जिले के साथ ही राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक कल्याण समिति स्थापित करके सदस्यों के नाम और संपर्क सार्वजनिक किए जाए। सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग स्थापित करके विशेष राजपत्रित अधिकारियों को निवृत्त किया जाए। इसी के साथ ही ऐसी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कचहरी के सामने यह धरना आंदोलन किया गया। इसी समय मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए, इस मांग पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सदस्य होकर भी इन प्रश्नों को दुर्लक्षित करते हैं। आने वाले समय में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विधायक क्षीरसागर, इनके साथ पालक मंत्री धनंजय मुंडे, इन्हें भी घेरा जाएगा, ऐसी चेतावनी लोकसेना संगठना की ओर से दी गई। आम्ही आज लोकसेना संघटने मार्फत जिल्हाधिकारी समोर धरने आंदोलन करत आहोत। आमची जी मागणी आहे प्रधानमंत्रीच्या 15 सूत्री कार्यक्रम राबवण्यासाठी, तसेच जिल्ह्यातील मुस्लिम अल्पसंख्यक समाजाच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली जाते, अल्पसंख्यक कल्याण समिती। गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही समितीसाठी मागणी करत आहोत, परंतु आजपर्यंत जिल्हा अल्पसंख्यक कल्याण समिती गठित करण्यात आली नाही, त्यासोबत इतर जिल्ह्यात पण समिती गठित करण्यात आली नाही। आणि त्यासोबत 2012-13 बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद संलग्न 160 उर्दू बालवाडे मंजूर झाले होते,
ते बालवाडे आज गायब झालेले. आमची मागणी आहे की ते बालवाड्या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी आणि मागच्या सरकारमध्ये एक आदेश निघाला होता की जे बालवाडे आहे अंगणवाड्यामध्ये रूपांतर करा. जिल्ह्यात नेमके किती उर्दू बालवाडे अंगणवाड्यामध्ये रूपांतर झाले याचा डेटा पण जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाकडे अवेलेबल नाही. त्याचसोबत आमची प्रमुख मागणी आहे की राज्यातील इतर समाजासाठी बाटी आणि साठीसारखे एक संशोधन संस्था निर्मिती करण्यात आली, तसंच अल्पसंख्यक समाजासाठी संशोधन और प्रशिक्षण संस्था निर्मिती करण्यात यावी. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्य अल्पसंख्यक कल्याण समितीचे सदस्य संदीप भैया सिरसागर यांना आम्ही घेराव घालणार आहे आणि त्यासोबत तीव्र आंदोलन आम्ही करणार आहोत. शहर के इंग्लिश स्कूल इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर सुनील चौहान, उप निदेशक शिक्षा एवं शिक्षा अधिकारी को एक निवेदन जारी कर राज्य सरकार से शिक्षा विभाग की ओर से नया जीआर जारी करने की मांग की है. संगठन ने पूछा है कि नेशनल बैंक में खाता होने के बाद एचडीएफसी बैंक में खाता फिर से क्यों खोला जाए. राज्य के शिक्षा विभाग के फैसले को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र में मेस्टा एसोसिएशन की ओर से आज एक निवेदन दिया गया है. आज आम्ही जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथे आम्ही आलेलो आहोत. खरं सांगायचं तर शिक्षण अधिकारी मॅडम यांनी 2 मे 2022 रोजी एक परिपत्रक काढलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सर्व खात्यांना सर्व शाळांना आरटीईची प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी एचडीएफसी बँकेत खातं उघडण्यासाठी एक आदेशपत्र काढलेलं आहे. मी ते तुम्हाला दाखवतो. हे ते आदेशपत्र आहे. आता एचडीएफसी बँकेतच का ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी तालुका प्लेसला सुद्धा एचडीएफसीच्या ब्रँचेस नाही. संपूर्ण जिल्ह्यामधल्या शाळांना परत अकाउंट ओपन करणे हे काही परवडण्यासारखे नाही. दुसरी गोष्ट, एचडीएफसी बँकेचे चार्जेस बरेच आहे. मंथली चार्जेस आहे, त्यांचे मिनिमम बॅलन्सचे चार्जेस आहे, त्याच्यानंतर क्वार्टरली आणि इयरलीसुद्धा चार्जेस आहे आणि ह्या चार्जेस विथ त्यांचे GST रिडक्शन होतं. आता आम्हाला असं म्हणायचं आहे की शासनाच्या आदेशानुसार 2012-13 पासून आम्ही नॅशनलाइज बँकेमध्ये खाते काढलेले आहे आणि ते संपूर्ण खाते आरटीईचे आत्तासुद्धा त्याच्या प्रतिपूर्ती त्या खात्यावरच येतात. आता नवीन परत एचडीएफसी बँकेत का आणि एचडीएफसीच का, ग्रामीण भागामध्ये SBI सर्वात जास्त मोठ्या ब्रँचेस आहे व इतरत्र ब्रँचेस आहे. त्यामुळे आज आम्ही निवेदन देत आहोत. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच वेळेस सगळ्या जिल्हा परिषदांना आम्ही हे निवेदन देत आहोत आणि हे जो आदेश पत्र काढलेला आहे उपसंचालकांनी हे रद्द करावं ही आमची मागणी आहे. आज एनसीपी युवा कांग्रेस नागपूर शहर ने राकांपा नेता और सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी का विरोध किया. 3:15 बजे युवावती प्रदेश अध्यक्ष पूनम रेवतकर इनके नेतृत्व में राकांपा के नगर अध्यक्ष श्री दुनेश्वर पेठे के मार्गदर्शन में पार्टी कार्यालय गणेशपेठ से मोक्षधाम घाट तक सांकेतिक अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया. इस समय कई कार्यकर्ता उपस्थित थे. चंद्रकांत पाटिल यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रियाताई सुळे यांना असं म्हटलं की तुम्ही मसनात जा आणि घरी बसून स्वयंपाक करा, तर नक्कीच एका महिलेला अपमान वाटेल असं वक्तव्य करण्याअगोदर त्यांनी 10 वेळा विचार करायला पाहिजे होतं की तुम्ही पण एका प्रतिष्ठित पदावर बसलेले आहेत, तुम्ही भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत, तर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला हे शोभत नाही की तुम्ही कुठल्याही महिलेबद्दल असं बोलावं. आणि महिला खास करून आमच्या संसदपटू खासदार सुप्रियाताई सुळे असतील तर नक्कीच महाराष्ट्रातील कुठलीही युवती पदाधिकारी आणि कुठलाही राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता हे खपवून घेणार नाही. आणि नक्कीच म्हणणं एवढंच नाही आहे की तुम्ही सुप्रियाताई सुळे किंवा कुठलीही महिला असेल, तुम्ही महिलांबद्दल बोलण्याअगोदर आपली जीप जी आहे ना ही सांभाळून वापरावी एवढंच म्हणणं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ही जी शवयात्रा आज आम्ही काढली आहे पक्ष कार्यालय ते मोक्षधाम दहन घाट इथपर्यंत, तर जे तुम्ही म्हटलं आमच्या सुप्रियाताईंना की तुम्ही मसनात जा, तर मसनात आज कोण आलेलं आहे तुमच्या एका वक्तव्यामुळे हे सगळ्यांना दिसून पडतं आहे. आणि फक्त नागपुरातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारचे आंदोलन होत आहेत. आणि पुढच्या वेळेस जर असं कुणीही आमच्या नेत्यांबद्दल किंवा कुठल्याही महिलेबद्दल असं बोललं तर नक्कीच कुठलीही महिला हे खपवून घेणार आहे आणि याच्यापेक्षा मोठे आंदोलन आम्ही करू. मी युवती अध्यक्ष पूनम रेवतकर नागपूर शहर. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. मनपा के NDPS टीम हनुमान नगर में कार्यरत 6 मराठा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक मंगेश कृष्णा उरकुड़े की छत पर करंट लगने से मौत हो गई. उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव उनके निवास स्थान पर ले जाया गया. मंगेश उरकुड़े के घर में बिजली न होने की वजह से वह छत पर गए थे कि तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई. इसी बीच बिजली भी शुरू हो गई. इस दौरान उन्हें जबरदस्त करंट लगा जिससे उनकी मौत हो गई. उनका शव अस्पताल से घर लाने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में सेना के एक सर्विसमैन तथा NDPS टीम कमांडर वीरसेन तांबे के साथ सभी जोन के प्रमुख अधिकारी व जवान उपस्थित थे. दिनांक 24/5/2022 को
शाम 6 बजे पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि शिवम हाउसिंग सोसाइटी चांदमारी पुलिस स्टेशन वाटुड़ा यहाँ पर रहने वाले मंगेश उरकुड़े उम्र 40 साल इनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इसके बारे में जानकारी हमको मिली कि उनके घर पे जो किराए से रहने वाले थे उनका घर का बांधकाम शुरू था, उनके पीछे रह वहाँ पे बांधकाम शुरू था और वो किराए से उनके घर के ऊपर पहले मरले पे रहते थे और उन्होंने उस बांधकाम जहाँ पे शुरू था वहाँ से जो सप्लाई था अपने घर के लिए तो वो उनके वही से सप्लाई लिया हुआ था और वो जो सर्विस वायर था उसके उनके बांधकाम के वहाँ से पहले मजले पे उन्होंने लिया हुआ था। मगर परसों के दिन 24 तारीख को जो आंधी तूफान आई उसमें वो वायर कट हो गया और उन्होंने जो सोलर का जो ऊपर लगाया हुआ है उसका जो एयर पाइप है वो ऊपर के साइड में उसको फिक्स करने के लिए 3 लोखंडी वायर लगाए हुए थे तो एक लोखंडी वायर को वो जो सर्विस वायर था उस पर लगा हुआ था और वो आंधी तूफान की वजह से वो कट हो गया और उसका सप्लाई उस 3 वायर में पास हो गया। इसके आंधी तूफान आने की वजह से ऊपर जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और जो कचरा वगैरह आया था उसको साफ करने के लिए मंगेश उरकुड़े ऊपर गए थे और उनके बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे तो उन्होंने आवाज़ दिया और बाद में बच्चे नीचे चले गए मगर वहाँ पे वो साफ़ सफाई करने लगे और उस दौरान उनका ध्यान नहीं गया, उसी 3 जो लोखंडी वायर है उसको गलती से उनका हाथ लग गया और वही शॉक लगकर वो ज़मीन पे पड़े हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी उनको आवाज़ देने गई, बुलाने गई, ऊपर गई, तब उनको पता चला कि यहाँ पे उनके पति को करंट लगा हुआ है और वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को आवाज़ दी और बाद में MSEB को जानकारी दी इसके बारे में और सप्लाई कट किया। सप्लाई कट करने के बाद में उनको पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिली और हमने पुलिस कर्मचारी वहाँ जाकर उनको अस्पताल में ले गए। बाद में उनका पोस्टमार्टम उसी दिन दूसरे दिन करवाया। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के स्टार सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान चली गई है। पेशेंट को सांप काटने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पेशेंट 75% ठीक भी हो चुका था, लेकिन स्टार सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन पर ध्यान न देकर लापरवाही दिखाई, जबकि स्टाफ की लापरवाही से उस व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। स्टार सिटी हॉस्पिटल की निंदाजनक लापरवाही से नागरिक भी नाराज है। बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। अनिल बड़वाई मुर्दाबाद। मैं मृतक दीपक चौधरी उसका भाई बोल रहा हूँ। हमने यहाँ पे दीपक को ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में जब लाए थे तकरीबन 2 बजे लाए थे और डॉक्टर प्रसाद ने 100% रिकवर होने का चांस भी दिया था और उसने ये भी बोला था कि आप कहीं भी लेके जाओगे। हम मेडिकल में लेके जा रहे थे, मेडिकल में उन लोगों ने ले जाने दिए नहीं और उन लोगों ने बोले कि हम 100% यहाँ पे रिकवर करवा के देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ स्टार सिटी हॉस्पिटल में हमने डायलिसिस के लिए लाए थे। वो समय में राठौर जो डॉक्टर है, राठौर डॉक्टर ने भी बोला था कि 95% हमारे इसमें रहेगा, हमारे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें हमारी पूरी जांच हो जाएंगी। पहले दिन यहाँ पे जब डायलिसिस हुआ उस टाइम में 50% चांस बताए थे, 50% वो दिन तो निकल ही गया था। फिर दूसरे दिन 6 घंटे का डायलिसिस हुआ उसमें 75% रिकवर हो गया था और डॉक्टर ने भी बोला, प्रसाद ने भी बोला था, डॉक्टर ने भी बोला कि अपना पेशेंट 75% रिकवर हो गया है। और जब मैं उससे मेरे भाई से जब मैं बात किया रात में जाके, तब वो पूरा रिकवर हो गया था, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसने बाकायदा नाम लिया, मेरा नाम लिया, उसके बाद में बोला भी कि मेरे को टॉयलेट लगी है, टॉयलेट लेके जाता हूँ। मैं बोला नहीं भाई, मैं बोला आराम कर, तो वो आराम भी किया उसने। उसके बाद में फिर आईसीयू है, आईसीयू बेड में रात में जाने देते नहीं है, रात में लॉक लगा हुआ था सब। सुबह जब हम जाके देखे 5 बजे तकरीबन यहाँ पे अंदर जाके देखे, डॉक्टर को फ़ोन किए, पहले जाके देखे तो लॉक लगा हुआ था। डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर ने 2 बार यहाँ पे फ़ोन लगाया, इन लोगों ने किसी ने डॉक्टर का फ़ोन रिसीव नहीं किए। उसके बाद में जब डॉक्टर के साथ में हम लोग गए तो डॉक्टर ने दरवाजे को 2 बार लात मारा जोर जोर के, वैसी वो एक नर्स निकली आग कोसती हुई निकली और वो जैसी लॉक दरवाजा जैसी खोलती है वैसी हम अंदर गए, देखते हैं तो पेशेंट हमारा भाई निकल गया था। टाइमिंग पूछे, किसी को टाइमिंग भी पता नहीं थी यहाँ कितने बजे निकला क्या निकला। ऑक्सीजन साइड में गिरा था, पूरी नली का अलग अलग गिरी थी और ऊपर में कुछ लाइन भी नहीं था, कुछ नहीं था और पूरा ब्लड निकला हुआ था, नीचे गिरा हुआ था, उस पर उन्होंने चद्दर ढक के रखे थे। उसके बाद में हम लोग को कैसा, हम लोगों को कुछ समझ में आया नहीं और डॉक्टर राठौर ने यह शब्द में बोला, रोने लगा, गिरने लगा, साले वो बोलता है तुम लोगों के लापरवाही की वजह से अपना पेशेंट निकल गया और रोने लगा। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आए, उतने में उन लोगों ने सब साफ सफाई चालू कर दिए थे। बस डॉक्टर लोगों की, हाँ डॉक्टर लोगों के 100% लापरवाही की वजह से, क्योंकि 75% पांचवा दिन था, पांचवे दिन में 75% रिकवर हो गया था। उसने बाकायदा बात वात करना, स्वेलिंग वगैरह करना सब निकल गया था टोटली। और डॉक्टर ने खुद होके बोला भी ना, वो उसको देख के भी बोला, हमारे को मालूम था ना कि 75% रिकवर हो गया है। और उन लोगों ने खुद होके अपनी गलती मानने भी की है कि हमारे लापरवाही की वजह से पेशेंट गया है। अभी हमारे को हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको न्याय चाहिए और न्याय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। नागपुर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। ऐसी एक घटना कमाल चौक में सामने आई है। फिरियादी यशोधरा नगर निवासी 27 वर्षीय अशोक सहारे, इन्होंने अपनी दुपहिया एक्टिवा गाड़ी को कमाल चौक में एक दुकान चौधरी ज्वेलर्स के बाहर पार्क किया था, जो किसी अज्ञात आरोपी ने चोरी की थी। पुलिस के डीबी पथक को गुनहगार चेकिंग मुहिम के चलते एक संदेहजनक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागते हुए दिखा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। उसकी चेकिंग करने के बाद ये पता चला कि ये वही अज्ञात वाहन चोर है जिसकी शिकायत फिरियादी अशोक सहारे इन्होंने लिखवाई थी। पुलिस ने आरोपी से वाहन जब्त कर लिया है और उनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया गया है। दिनांक 24/5/2022 17-18 दरमियान फिरियादी नामे कुमारी मोनू अशोक सहारे व 27 वर्ष विनोबा भावे नगर पोस्टे यशोधरा यांनी आपली ॲक्टिवा गाडी ही चौधरी ज्वेलर्स कमाल चौक समोर पार्क करून ठेवलेली होती, त्यावेळी त्यांची गाडी ही अज्ञात आरोपीने चोरून नेलेली होती। आमचे पोस्टेचे डीबी पथक हे गुन्हेगार चेकिंग मोहीम राबवित असताना
एक इसम हा संशयास्पद रीत पडून जाताने मिळाला, त्याला चेक केला असता ते गाडी ॲक्टिवा गाडी चेक केली असता ते आपल्या आमच्या पोलीस स्टेशन अपघात क्रमांक 667/22 379 बाधीअन्वये जो गुन्हा दाखल होता त्या गुन्ह्यातील असल्याचे आढळले आणि त्याला विचारपूस केला असता त्यांनी सदर गाडी ही चौधरी ज्वेलर्स कमाल चौक समोर पार्क करून ठेवलेल्या ठिकाणावर उचलून नेल्याचे त्याने सांगितले. त्याला आरोपीचे नाव आहे सुचित उर्फ राजू सुरेश रामटेके. त्याला विचारपूस दरम्यान त्याने ते कबूल केले आणि त्याच्याकडून ॲक्टिवा गाडी किमती अंदाजे 50,000 रुपयाचा माल रिकवर केलेला आहे. जो अटक आरोपी आहे त्याच्यावरती आधीचेही काही गुन्हे आहे का आणि तो कशाकरिता गाडी चोरायचा काही सांगितलं? नाही, त्याच्यावर आम्ही चेक केलं असतं, त्याच्यावर काही कुठल्याही प्रकारचे आतापर्यंत गुन्हे नाही. पण ते हे गाडी चोरी करून विक्री करून तर आपल्या शौकपणी पूर्ण करायचा असं ते सांगितलं. त्याचे शौक होते त्याला, ते दारू गांजा हे वगैरे याचा शौक होता आणि ते शौक पूर्ण करण्याकरता ते चोरी वगैरे केलं की तो सांगत आहे सध्या. पुढील तपास सुरू आहे. बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अंतर्गत जिले के किसानों और आम प्रेमियों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आज एक दिवसीय ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल और आम बिक्री का आयोजन किया गया है. आम की खेती को जगह देने और आम की स्थानीय किस्मों को पेश करने के उद्देश्य से मैंगो फेस्टिवल और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. नागपुर में हुए 190 दीक्षांत समारोह में छात्रों को देश में करियर बनाना चाहिए और अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करना चाहिए, ऐसी अपील उच्च और तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत ने की है. उदय सामंत कविवर या सुरेश भट्ट हॉल में राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 190 स्नातक समारोह में मार्गदर्शन करते हुए बोल रहे थे. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी, क्यू वाइस चांसलर डॉक्टर संजय दुदे, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजू हिवसे, निदेशक परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड विश्वविद्यालय इस समय मौजूद थे. आधुनिक तकनीक का उपयोग कर देश में विकास के अवसर सृजित किए जा रहे हैं. उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को यह सोचना चाहिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके ज्ञान और अनुभव से उनके देशवासियों को क्या लाभ होगा. दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी का वीडियो शुभेच्छा संदेश दिखाया गया. विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्रों को बधाई दी गई. अमृत महोत्सव के साथ विश्वविद्यालय ने 99 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न उपक्रमों का स्वागत किया. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत, दयाराम पार्टुमल लालवानी को मानव विज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया. स्नातक समारोह में विभिन्न विषयों के 532 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई. इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 190, वाणिज्य और प्रबंधन में 79, नृविज्ञान में 186 और अंतः विषय अध्ययन में 77 छात्र शामिल है. परिचय भाषण राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने किया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय गान में हमेशा सच बोले, उचित व्यवहार करे, प्रेरक ग्रंथ पढ़े और अभ्यास करे और राष्ट्र को ईश्वर माने. विश्वविद्यालय द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत का अभिनंदन किया गया. निधि साहू को 5 स्वर्ण पदक, नम्रता मोहड़ को 2 और प्रफुल्ल डोरले और जरीना जोया को 1-1 पदक से नवाजा गया. पांचपौली पुलिस थाना अंतर्गत एक दुकान में घुसकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पांचपौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में चोरी हुआ पूरा सामान पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है. स्वैगवियर नामक एक कपड़े की दुकान में कुछ चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की है. दुकान मालिक 14 मई को 9:30 बजे दुकान बंद कर घर चला गया. इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने रात में वादी की कपड़े की दुकान के शटर तोड़ दिए और दुकान में घुसकर चोरी कर ली. इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करते ही पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान एक खबरी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक नगर चौक हसनबाग में एक व्यक्ति जुपिटर गाड़ी से घूम रहा था. जानकारी मिलते ही पुलिस कर्मचारियों ने 2 संदिग्धों को हसनबाग नंदनवन क्षेत्र में घूमते देखा. आरोपी अमीन सलीम पठान और शेख सोहेल शेख फारूक, इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे चोरी का पूरा सामान जब्त कर लिया गया है. दिनांक 14/5/2022 रोजी सनीचरा मार्केट कृष्णा सावजी हॉटेल के बाजूला है. स्वैग वेयर नावाचे कापड़ा दुकान है. कापड़ा दुकाना मधे 14/5 ते 15/5 दरमियान शटर कुलूप तोड़ आग प्रवेश कर चोरी होती. त्यामध्ये 645/22 + 380
457 वादीवाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। त्या गुन्ह्यातील आरोपी हे हसनबाग नंदनवन परिसरामध्ये असल्याबाबतची माहिती मिळाली होती। त्यावरून शेख सोहेल उर्फ बिट्टू वर्द शेख फारूक राहणार ताजबाग सक्करदरा याला आणि एक विधी संघर्षग्रस्त बालक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते। त्याच्यामध्ये यांनी तपासादरम्यान 48,450 रुपयाचा मुद्देमाल, त्यामध्ये घडी, शूज, हाफ पॅन्ट, जीन्स पॅन्ट असे कपड्याचे आहेत, ते मुद्देमाल रिकवर करण्यात आले। त्याच्यामध्ये आणखी 2 आरोपी हे फरार आहेत, शेख तारिक शेख करीम म्हणून आणि दुसरा शेख सोहेल उर्फ भांजा शेख मुख्तार राणा ताजबाग फरार आहेत आणि पुढील तपास त्याच्यामध्ये सुरू आहे। जे अटक आरोपी आहे यांच्यावरती आधीसही काही गुन्हे वगैरे निष्पन्न झाले? अटक जे अटक आरोपी आहे त्याच्यावर गुन्हा नाही आहे आणि विधी संघर्षग्रस्त जो तो बालक ताब्यात घेतला होता त्याच्यावर पण नाही आहे, पण बाकी जे फरार आरोपी आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। तो आज VKB प्राइम टाइम न्यूज में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।